दोस्तों एक आदमी 10 लाख रुपए सेव करता है और फिर अपने दोस्त को कहता है कि अब मैं फाइनली एक ऐसी कार खरीद पाऊंगा जिसके बारे में मैं काफी टाइम से सोच रहा था। तो उस पर उसका दोस्त कहता है कि मेरे पास भी 10 लाख रुपए मौजूद है लेकिन उनको मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया क्योंकि कुछ साल बाद मेरा डिविडेंड इनकम ही हर साल नई नई गाड़ियां मुझको खरीद कर देगा। दोस्तों ये एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच में, जहां पर ये आदमी हमेशा पैसों के लिए काम करता रहेगा और फाइनेंशियली फ्रीडम उसके लिए हमेशा एक सपना बनकर रह जाएगा और दूसरी तरफ ये आदमी टाइम के साथ और ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अमीर बनता रहेगा कंपाउंडिंग के जरिए। दोस्तों सबसे सैड चीज ये है कि ये चीजें जैसे कि डिविडेंड, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें स्कूल के अंदर नहीं सिखाई जाती और ना ही बहुत से पेरेंट्स इनके बारे में घर पे बात करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों इस चैनल के जरिए हमारा एम यही है कि आपको नॉलेज, मोटिवेशन और डायरेक्शन तीनों एक साथ मिले ताकि आप जल्द से जल्द अमीर बने और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हो और इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि एक पॉवर और रिच माइंडसेट में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों आप इमेजिन करो कि आप 20 साल के हो और आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और अब आपके पेरेंट्स आपको एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करते हैं बिल्कुल जैसा आप चाहते थे, मगर इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि आपको सिर्फ एक वही कार यूज करने को मिलेगी आपकी पूरी लाइफ में और इसके बाद आप कोई दूसरी कार खरीद नहीं पाओगे। ये चीज जानने के बाद आप क्या करोगे? बहुत से लोग उस कार को पहली बार ड्राइव करने से पहले ही उसके ओनर मैनुअल और उसके इंस्ट्रक्शंस को 4 बार रीड करेंगे, उसके लिए एक पार्किंग गैराज का बंदोबस्त करेंगे, टाइम आने पर उसका ऑयल चेंज करेंगे और अगर उस पर जरा सा भी स्क्रैच लग जाता है तो उसको तुरंत ठीक करेंगे और हर वक्त उसका ख्याल रखेंगे क्योंकि आपको ये बात पता है कि ये कार मुझे अपनी पूरी लाइफ तक चलानी है। दोस्तों ठीक इसी तरह आपकी बॉडी भी और आपका माइंड भी आपको बस एक ही बार मिलता है आपकी पूरी जिंदगी के लिए और अगर आप इसको सही तरीके से यूज नहीं करोगे और इसका ख्याल नहीं रखोगे तो ये ठीक उसी तरह का होगा जैसे कि आपने अपनी कार को किसी सड़क पर छोड़ दिया खराब होने के लिए। अब दोस्तों रियलिटी में तो आप अपने घर को, अपनी कार को बहुत बार चेंज कर सकते हो लेकिन आपका माइंड आप रिसेट नहीं कर सकते। वीडियो गेम की तरह आप इसके अंदर न्यू गेम सिलेक्ट करके एक नई लाइफ लेकर नहीं आ सकते। इसलिए दोस्तों जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी कम उम्र में ही अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाकर चलते हैं और एक अलग ही डायरेक्शन में निकल जाते हैं। दोस्तों मुझे अभी भी याद है जब मैं अपने कॉलेज में था तब मेरे टीचर ने अपनी स्पीच में एक सवाल पूछा था कि हमारी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल एसेट कौन सा है। किसी ने कहा मेरा घर, किसी ने कहा कि मेरा इन्वेस्टमेंट, किसी ने कहा मेरी कार, किसी ने कहा मेरी बाइक और भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एग्जांपल्स थे। लेकिन दोस्तों इसका एक्चुअल आंसर कुछ और ही था। टीचर ने बताया कि आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट आपका माइंड है। जितने भी लोग कॉलेज में जाते हैं वो अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए जाते हैं ताकि उनके फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके और उस 4 साल के छोटे से इन्वेस्टमेंट से उनकी आने वाली 40 साल की जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों इसलिए अगर आप अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट्स को वेस्ट कर रहे हो क्योंकि दोस्तों वैल्यूएशन का गोल्डन रूल ये होता है, द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इसका सीधा मतलब यह है कि फिलहाल आप अपनी सैलरी FD में इन्वेस्ट करते होंगे जिसमें आपको 6% का रिटर्न मिलता होगा। लेकिन अगर आप थोड़े से टाइम इन्वेस्ट करोगे, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करोगे तो आपको इससे डबल रिटर्न मिल सकता है, मतलब कि 12% का। और अगर आप थोड़ा और इन्वेस्ट करते हो तो आप डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर किसी दूसरे के बिजनेस को खरीद सकते हो, मतलब कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पर आपको 12% की जगह पर 18% का रिटर्न भी मिलेगा, मतलब कि आप अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा सकते हो सिर्फ कुछ बुक्स को पढ़कर या फिर ऐसे वीडियोस देखकर। अब दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास 20s में इतने ज्यादा पैसे मौजूद नहीं होते, उनके पास बस कुछ 1000 रुपए मौजूद होते हैं और वो भी उनकी पॉकेट मनी होती है, तो क्या इनको इतने कम पैसों से इन्वेस्टिंग करनी शुरू करनी चाहिए? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर देते हैं कि भले ही आपके पास फिलहाल पैसे मौजूद नहीं है लेकिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी अभी से शुरू कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जिन भी लोगों का पोअर माइंडसेट होता है वो ये सोचते हैं कि जब मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे तब मैं पैसों को मैनेज करना और इन्वेस्टिंग करना शुरू करूंगा। लेकिन दोस्तों जिन भी लोगों का रिच माइंडसेट होता है वो कहते हैं कि जब मैं थोड़े से पैसों को ही सही तरीके से मैनेज और इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा और मैनेजमेंट को सीख लूंगा तो अपने आप ही मेरे पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे। इससे होगा ये कि जब भी आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे तब तक आपकी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए अमीर लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं और गरीब लोग हमेशा बहाने। और दोस्तों इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए आपको कोई बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों वॉरेन बफेट ने 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग करना शुरू किया था। वॉरेन बफेट ने ये नहीं कहा था कि उन्होंने बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। वॉरेन बफेट ने ये कहा था कि आई मेड माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट एज 11, आई वाज वेस्टिंग माय लाइफ अप अंटिल देन। आप किसी भी 30 या फिर 40 साल के आदमी से अगर पूछोगे कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि उन्होंने इस मनी मैनेजमेंट को बहुत देर से समझा। दोस्तों अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसे कि
बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क या किसी भी ऐसे आदमी की बुक को पढ़ोगे या फिर इनकी स्पीच को सुनोगे तो आपको इनके पास से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये सीखने को मिलेगी कि आपको अपने 20s में ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना चाहिए, मतलब कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और ये चीज मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी वजह से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो कि जो कंपनी ऑलरेडी सक्सेसफुल है आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब दोस्तों, इमेजिन करो कि आप अपने कंप्यूटर पर एक लेटर लिख रहे हो और फिर आप उसका एक प्रिंट आउट निकालते हो और फिर उसकी हार्ड कॉपी को रीड करते हो। रीड करते हुए आप देखते हो कि इसके अंदर एक टाइपिंग मिस्टेक मौजूद है। फिर आप वापस से लेटर को प्रिंट करते हो और फिर आप ये देखते हो कि वहां पर सेम मिस्टेक अभी भी मौजूद है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसको तो आपने ठीक कर दिया था। बाद में आपको पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम उस प्रिंटर या फिर उस पेज की नहीं थी, एक्चुअल प्रॉब्लम तो उस प्रोग्राम की थी जहां पर आपने गलती करके रखी थी। इस तरह से बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। तो जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस एक रिजल्ट है। एक्चुअल प्रॉब्लम उनका माइंडसेट होता है। ऐसे लोगों की अगर करोड़ों की लॉटरी भी लग जाएगी तब भी वो उसको कुछ सालों में गवा देंगे। और हमारे पास इसके बहुत सारे रियल एग्जांपल्स मौजूद है जहां पर 70% से भी ज्यादा लॉटरी विनर्स ने 10 साल के अंदर अपने सारे पैसे गवा दिए। क्योंकि जैसा मॉर्गन हाउसन ने कहा था, सक्सेस इज ड्राइवन बाय कंपाउंडिंग व्हिच टेक्स टाइम एंड डिस्ट्रक्शन कैन हैपन इन सेकंड्स। तो अगर आपको एक्चुअली में अमीर बनना है या फिर अमीर बने रहना है तो आपको कंटिन्यू अपने माइंडसेट में इन्वेस्ट करते रहना होगा, क्योंकि छोटे छोटे आउटकम भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े रिजल्ट क्रिएट करते हैं। कंपाउंडिंग के जरिए अगर आप सिर्फ 0.01% इंप्रूव होते हो डेली तो एक साल में आप सिर्फ 37 टाइम्स इंप्रूव हो सकते हो। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर जाते हो तो कंपाउंडिंग वहां पर भी काम करती है। तो दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।